तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक नए धमाकेदार गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको फिर से कुछ नया ही बताने वाले हैं गाइस, हर वीडियो की तरह। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D गेम में गाइस आप कैसे स्प्लेंडर बाइक के जो रिम हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं गाइस, यानी कि स्प्लेंडर बाइक के व्हील चेंज कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये जानने से पहले अगर आपको बुलेट बाइक को मॉडिफाई करना नहीं आता तो इस तरह वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, देख लेना जाकर गाइस। तो गाइस, अब बात करते हैं कि स्प्लेंडर बाइक के व्हील कैसे चेंज करें। तो इसके लिए गाइस आपको क्या करना है, आपको कस्टमाइज का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली से उसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कस्टमाइज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको सामने बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे, आपको मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली से आपको उसी पर क्लिक कर देना है गाइस। जैसे ही आप मॉडिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे, तो सिंपली से आपको बाइक्स मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा उसी पर क्लिक कर देना है गाइस। जैसे आप बाइक्स मॉडिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे, बुलेट, स्प्लेंडर और कॉमन का। सिंपली से आपको तीसरे वाले ऑप्शन कॉमन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कॉमन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको ब्लू लाइन दिख रही होगी गाइस, आपको इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाना है गाइस, तभी जो हमारे स्प्लेंडर बाइक के व्हील हैं वो चेंज होने लगेंगे कुछ इस तरह से। तो ऐसे ही आप और आगे बढ़ाएंगे तो और गाइस चेंज होंगे, तो डिफरेंट तरह के आप कर सकते हैं इसमें, जैसे भी गाइस आपको अच्छे लगे वैसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप स्प्लेंडर बाइक के व्हील चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।